सर, जैसे कि हमने पिछली बार आपको कुछ किचन से संबंधित टूल्स और गैजेट ट्राई करवाए थे, हाँ आज उसी क्रम में हम दो और गैजेट आपको ट्राई करवाने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये दोनों ही गैजेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं अच्छा जी, और बहुत ही ज्यादा कारगर गैजेट हैं। ओ, 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 ओ। तो आप इसे सर ट्राई करें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया। अच्छा, किचन वाली बात कर रहे हैं आप? पहले भी आपने करा थे तो चीज बहुत अच्छी लगी थी, आज भी आप कुछ लेकर आए तो कुछ अच्छी करने में मजा आएगा। तो लाभ है, देर कर बात की, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये सर जो चीज आपके सामने नजर आ रही है, इसको कहा जाता है एयर फ्रायर, यानी कि इसके अंदर आप चीजों को सेक सकते हैं, तल सकते हैं, और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही कम तेल में और यहाँ तक कि बिना तेल में भी आप चीजों को इसके अंदर कार्य में ला सकते हैं। सर जी, सर आपने बताया सर, बिल्कुल लाजवाब चीज है और बहुत बढ़िया चीज है। तो सर जैसा आपने बताया कि इसमें तेल हिसाब से लगेगा, तो वो तो सही है, तेल भी कम लगेगा और चीज जल्दी बनेगी तो अच्छा रहेगा वो, और टाइम भी बचेगा अपना। ये सबसे बड़ी बात तो किचन का काम ही आधा हो गया। हाँ, जैसे सेकने के लिए तवा इस्तेमाल, तो उस हिसाब से महिलाओं की जो किचन की सहूलत है वो सही हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अरे की बोल रहे थे, आवाज आ रही सिटी जैसी। जैसा कि मैडम मैंने आपको जो पैकेट दिया है उसमें फ्रेंच फ्राइज है फ्रोजन वाली, तो आप उसको निकाल लीजिए एक प्लेट में, और इसी दौरान बाबू आप जो है जो मैंने आपको बताया था जी, उसको ट्रे को बाहर निकालिए जी, बाबू ट्रे को बाहर निकालिए जी जी। इसमें भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं या प्लेट में डाल सकते हैं जैसे आप। तो इसमें तो पकने का मेरी समझ में नहीं आ रही है कैसे पकेगा, क्या होगा वो, कोई चीज है अपन देखे तो सही, जैसे अपन वो चीज, हाँ वो ये अचंबा वाली बात है। तो वो अब जब होएगा, जब पता चलेगा क्या है क्या। एक मिनट रुक, ये ऐसी लकड़ी की तरह ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आ रही कुछ। देख क्या है बेटा, वो जैसे अपन अपने आलू अपन मतलब आलू की तरह जो खाते हैं ये वो है। या अपन का आलू वो चीज मिले का जो लोग है ना वो ये खाते हैं। अच्छा, ये है वो, ये है वो, एक तरह से वो आलू के ये है वो, तो आलू की तरह काम करेगा। अब देखो, अब वो खाने पे पता चलेगा, खाने पे आलू की तरह नहीं, आलू ही है। अच्छा, ये है वो बना लेते ना। हाँ, वो बाहर विदेशों में ऐसी लंबी लंबी खाते हैं आलू। अच्छा, ये आकार अलग है बस, ये चक्कर है, ये है वो, ये अब चलते सर। ये तो बिल्कुल जादू सरीका है, देखते हैं कैसे काम करता है। मालिक का नाम और ये चला काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, ठीक है ठीक है। क्या कहते चीज यार, बस ये अजमेरे ना ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ बता दिया, तुम्हें भतीजे का बहुत ख्याल है। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात। क्या भाई सर जी, मैं ये सोच रही हूँ जैसे कि हम अगर किचन में काम करते हैं तो आप इतनी सारी चीजें बताएं कि ये अकेली चीज कर लेता है, हमें तो हर चीज के लिए एक नया बर्तन और नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी जिंदगी आसान, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, बस ये बटन दबाओ ने भूल जाओ, अपने आप ही हो जाएगा काम। सर ये सब बात छोड़ो, ये जो मेरा भतीजा है कुछ कह रहे हैं उनको तंदूरी मुर्गा खाने का बहुत शौक है, तो इसमें वो मुर्गा पक जाएगा क्या? जी सर पक जाएगा। हाँ, नहीं पकता तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, पक जाएगा तो फिर ठीक है, फिर अच्छा है। वो चटोरा है, चाहिए। वो चटोरा तो चीज है तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज थोड़ी है।
चाचा जी हाँ। ये तो हजारों रुपए की चीज होगी हाँ, अब अगर उसमें लेने के लाने के बाद हाँ। वो मुर्गा नहीं पके तो वो हजारों रुपए क्या पैंट के बाद फैशन में खर्चा करे और काम भी नहीं हो तो अपने समझा रहे हैं उनसे पूरी जानकारी ले लो आप उसके बाद खर्चा करो पैसे ये सब भैया। अरे चाचा जी तुम समझे नहीं हाँ। खर्चा करोगे मतलब ये तुम मुझे दिलाओगे तो फिर मैं अपनी बीवी को दूंगा इस्तेमाल करने के लिए ऐसे ये वो कहानी तुम खर्चा करोगे पैसे मैं नहीं करूँगा। चाचा जी कहीं चाची से लड़ाई नहीं हो जाए कि मुझे तो आज तक दिया नहीं भतीजे को तो मैं चाची को भी संभाल दूंगा ना फिर। मैं आपको बताना चाहूंगा बीच बीच में इसको रोक कर और हम इसको थोड़ा सा हिला भी सकते हैं अच्छा, अच्छा, ताकि अच्छा। जो भी चीज हमने रखी है वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है पता नहीं चलेगा पका के नहीं पका तो हम भी घर में भी करें हम तो पकाने के लिए। अब आप वो जो बटन दबाया था स्टार्टिंग में उसको एक बार दबा चीज तो बहुत अच्छी है खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अब टेस्ट करके देखेंगे जब पता चलेगा कि कैसी हो। ये चीज तो अच्छी है मगर इसको क्या है कि आदमी और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं कभी बाय चांस औरत नहीं हुई तो आदमी करके खा सकता है वो जो घर में पकाते हैं पीसते हैं मिक्सी मिक्सी में इसमें इसकी झंझट नहीं है उसमें डालो और करो और दो तीन मिनट में तैयार अपने एक काम करे बाबू अपन खेत पे जाते रस्सी देखने के खाना अब आए खाना अब आए खाना अब आए हाँ तो ये ले लो इससे अच्छा तो फिर अच्छा फिर तू मुझे चलाता है सब चीजें इसको मरेगा तो गरम गरम भी खाने तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि चाची की जरूरत नहीं है अपन इसका इस्तेमाल करके दोनों खा सकते हैं। अब जब चाचा कुछ करे तो फसल कोई बनता की नहीं बनता हाँ चाचा भी खुश हो चाची भी खुश बढ़िया ठीक है बन ले अब सीधा कर लो नहीं जा अच्छा वो तुमने बता दिया मैं तो घुसे ही जा रही हूँ यार अब तुम्हारी सांस लूंगा तो मैं कुछ तो सीखूंगा ना दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो जीरो बन गया गुलजार सिम आदमी जल जा नहीं तो तुम भी जल्दी जाओ। बहुत ही शानदार बना है बहुत शानदार देखने में कुरकुरा लग रहा है तेल में तले ना तो हो जाए ऐसा सर इसकी आवाज सुनिए खनन खनन अच्छी आवाज आ रही है देखने में भी अच्छे लग तो बुरा चेहरा जो कैसे बाकी क्या है अब तो चक्के जगह कैसे कैसे लगता है देखा बहुत हल्के हैं वो कुरकुरे दिख रहे हैं हल्के भी है कुरकुरे नरम भी है वो खाने में फिर खाने में भी अच्छे हैं कि बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आज सर जी ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने वो चीजें देख ली क्योंकि जैसा मैंने बोला हमारी सोच के भी बाहर है और पहुंच के भी बाहर है आज बहुत खुशी हो रही है आप ही गई अपने हाथ में पका रहे अपने हाथ में खा रहा है बहुत शानदार बहुत मजेदार सर चीज तो ये अच्छी है मगर कभी मुर्गा मुर्गा बना के खिलाओ भारी चीज तो फिर और मजा आए। हाँ। सर कभी आपने सैंडविच खाया था भी अंग्रेज खाया सैंडविच हमने ये खाया था तो सर क्या कभी आपने सोचा है कि सैंडविच में ब्रेड अक्सर ये मशीन वो काफी हल्की मशीन है मेरे को तो बताओ
देखने में और वजन में भी हल्की लग रही है, अब वो काम कैसे करेगी ये समझ में नहीं। ये दो छेद ऐसे दिख रहा है नाली की तरह, इसमें शायद ब्रेड जाती होगी, हो और हो सकता है ये बिजली से चलता हो शायद। हाँ तो आप ये इस्तेमाल करें और देखें कैसे चलेगा, जब पता चलेगा। ठीक है सर, मैं आपको समझा देता हूँ। संभल के देखना, सर जी ने बताया इसको नीचे कर दो। हाँ, लाइट जल गई ना, लाइट जल रही है सर। हम तो तवे पे ही कर लेते हैं, सेक ना रहे या तल ना रहे, ऐसा तो कभी सोचे ही नहीं। जिंदगी कितनी आसान हो गई है, मैं ये सोच रही हूँ। पूरा दिन बावर्ची खाने में काम करते करते हो जाए, अब ऐसी चीजें हो तो पूरे दिन का काम जरा सा घंटे का काम मिनट जी की बात सुन के मेरे को एक बात याद आ गई। जब मैं छोटी थी ना तो हमें याद कराया जाता विज्ञान के चमत्कार, उसमें घंटों का काम मिनटों मशीनें करती है, आज देखने को मिलती है। ये इसमें तो जब अपन ब्रेड सेक सकते हैं तो इसमें बासी रोटी गरम कर सकते हैं, पापड़ सेक सकते हैं, तो वो ट्राई करके देखें। वो फिर वो कंपनी वालों से पूछो कि वो चीज होगी कि नहीं होगी। ये तो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। क्या बात है भैया, लगा कि भूल जाओ, खुद ही आ जाते हैं जब आ जाते हैं तो। दरअसल जो नीचे आप एक मैंने बताया था नौ है वहाँ पे, एक दो तीन चार अलग अलग इसकी सेटिंग है। अच्छा, ज्यादा देर तक करना है आपको तो ज्यादा बड़ा नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ, गरम बस ब्रेड तो मक्खन लगाओ सुबह नाश्ते में खा के काम पे निकल। अरे वाह, शानदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, तो दिखने में भी अच्छे, दिखने में भी अच्छे कुरकुरे हो गए, जैसे अपने आम ब्रेड रहते हैं ना कुरकुरे हो गए। अरे वाह, बहुत काम की चीज है सर ये, मतलब चीज तो अच्छी है मगर इसको और कड़क चाहिए मुझे तो। हाँ। और गरम करो तो फिर देखते हैं कितनी। चलो चलो, वो भी जरूर। मैं ऐसा करती हूँ कि देखो इस पर कांटे बने हुए ना, चार पाँच छह, मैं डायरेक्ट सात पे लगाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ। कितना कड़क होगा, लाइट जल रही है, कुछ ज्यादा नहीं लगा दिया तुम अभी तो। जलने लगेंगे तो बदबू आ जाएगी। चीज अच्छी है मगर थोड़ा सावधानी, 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 मतलब ये है कि नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। ये क्या हमारे बच्चे, तुम्हारे मगर ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, लेडीज के काम की चीज है। लेकिन तू तो कर लेगा जी, मैं तो तुम होगे तो कर लूंगा, नहीं तो कोई बात ही। इसमें तो लाल लाल कुछ जल लिया है और धुएं जैसा निकल लिया कुछ इसमें। हाँ यार, गरम गरम तो वो कुछ करो फिर उसके लिए, ताकि धुआं नहीं निकले। समझ में नहीं आएगा, भी निकलेगा तो ही पता चलेगा कि कैसा हुआ है। पर एक चीज जरूर है कि जब तक बैठ के अपन हाथ ताप सकते हैं सर्दी में, देखो चाचा जी धुआं निकल रहा है, ज्यादा हो गया लगता है, ज्यादा हो गया है। साथ पे मैं शुरू से बोल लिया था कि साथ पे मत लगा, मत लगा, वो जल ही जाएंगे। तुमने साथ पे करके बहुत गलत कर दी, देखो वो तो पूरे काले हो गए, हाथ भी नहीं लगा सकते, हाथ मत लगाना जल जाएगा। ये शिक्षा मिली कि पहले कम से ही शुरुआत करना चाहिए। तुम्हें शुरू में जो करा था उसके बाद जो करा था तो वो दो पे या तीन पे करना चाहिए था तुम्हें। पर चलो, अच्छा अनुभव था, मजा आया। हाँ, अरे गर्मा गर्म अनुभव चाचा जी के लिए। तुम्हें बहुत जल्दी है खाने की, ऐसी लगती है चलो खा लेते हैं। चाचा जी थोड़े से जले हुए हैं पर ठीक है, आप थोड़ा सा ठंडा है। ये तैयार है चाचा जी के लिए गर्मा गर्म कुरकुरे ब्रेड, बहुत ही आसान प्रयोग करने में है। एक ये अपने को थोड़ा इसका वो करने, ये कितनी देर में, कितनी देर में उसमें ताकि जो कितनी देर। चाचा जी आवाज सुनो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिस्कुट तोड़ रहे हैं, बिस्कुट तोड़ रहे हैं। एक बार अपन को आइडिया मिल गया कि एक पे करना है, दो पे करना है, तो फिर तो आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कर सकते हैं अपना पहला पहला। मगर अब आज जो हो गया तो अब वो अभी मतलब पहला अनुभव था तो उस वजह से अपन ने डायरेक्ट
कर दिया तो मेरा तो ये मानना है इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अनुभव आते आते आएगा। ये जो आज तक वो बाकी बहुत ही कारगर चीजें थी, जो दो मशीनें थी बहुत ही कारगर चीज थी। एक मशीन वो जिसमें कोई भी चीज़ फ्राई करना हो, सेकना हो, वो उसके लिए बहुत अच्छी। दूसरी चीज़ थी कोई भी चीज़ आपको कितनी गर्म चाहिए, कितनी खराब चाहिए, कितनी नरम चाहिए, वो दोनों चीज़ें बाकी में बहुत ही कारगर साबित हुई। बहुत देख के बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर जी क्या है जी। पूरा दिन मुझे किचन में काम करते करते हो जाता है, मतलब मेरे बच्चों के लिए या परिवार के लिए कुछ ना कुछ पकाती हूँ। अब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपने लिए समय मिल पाता है, तो ये सब चीजें अगर जीवन में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारी जिंदगी भी थोड़ी जी सकते हैं, क्योंकि पूरा समय इस काम करते करते हो जाता है तो कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात। और ये इतनी अच्छी चीजें हैं, आसान है इस्तेमाल में, तो सबसे बड़ी बात क्या बात, समय की बचत होती है तो थोड़ा हम हमारे बारे में भी सोच पाते। चाचा वो तो सब अच्छा है, ये बताओ आपको मशीन कब दिला रहा हूँ? मुर्गा जिसमें बनेगा। अबे अभी अपन इससे काम दिला देख लो, अब ये चीज अपन देगी ना, अब ये छुपा मारो पैसा जो जो आ जाए वही कर मतलब तुम इस उम्र में भी पैसा बचा के ही चलो। अरे नहीं मैं आपको आगे तक पैसा बचेगा, आप तो सीधा लग नहीं है, तो ये चला तुझे कम कर मशीन तो आती नहीं है तो ढुलक उठा क्या साहब की ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चाचा भतीजे की मजाक शुरू से अभी तक खेली रही है और आज ये बैठ रहे इसी बात पे चाचा भतीजे का आप कहना सुनो, बुरे काम का बुरा नतीजा को बहुत अच्छा बजाते हो।